हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अंकिताज किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ, बनारस की स्पेशल उड़द दाल की कढ़ी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले हम उड़द दाल को लेंगे और उसे 3 से 4 घंटे तक भिगो देंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप गर्म पानी में 2 घंटे तक भिगो सकते हैं। उसके बाद उसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे। मैंने बिना छिलके का लिया है, अगर आपके पास छिलके वाला है तो आप अच्छे छिलके से साफ़ कर लीजिए। उसके बाद हम ग्राइंडर में लेंगे, उसमें लहसुन, हींग, जीरा को एक साथ हम उसका पेस्ट बना लेंगे। हमें पानी का यूज़ नहीं करना है, हमें सूखा पेस्ट चाहिए क्योंकि हमें पकौड़े भी बनाने हैं। उसके बाद इस साथ में हम मसाले भी तैयार कर लेते हैं अपने कढ़ी के लिए। मसाले के लिए हमने लहसुन लिया है, जीरा लिया है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा गर्म मसाला पाउडर और साथ में लाल मिर्च पाउडर भी लिया है और अदरक और हरी मिर्च को अच्छे से हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। ये पेस्ट हम कढ़ी के मसाले के रूप में यूज़ करेंगे। चलिए अब हम लोग पकौड़ा बनाते हैं। सबसे पहले हमने जो पेस्ट बनाया है उड़द दाल का, उसमें थोड़ा हिस्सा अप्रॉक्स 2 चम्मच हम साइड कर लेंगे, जिसका हम कढ़ी का ग्रेवी बनाने में इस्तेमाल करेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा नमक मिलाते जाएंगे और उसका पकौड़ा बनाते जाएंगे। पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म करेंगे, उसमें तेल लेंगे, मस्टर्ड ऑयल यूज़ करेंगे तो आपको स्वाद बिल्कुल बनारसी स्वाद जैसा मिलेगा। आप मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करें। तो चलिए हम लोग फटाफट पकौड़े बना लेते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, सारे बैटर में एक साथ आप नमक ना मिलाएं, नहीं तो बैटर ढीला हो सकता है, जो पकौड़े बनाने में हमें परेशानियाँ हो सकती हैं। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक हमें पकौड़ों को तलना है और बिल्कुल अंदर तक पके, इसके लिए आप लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकौड़ों को तलें। ये देखिए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे। इस तरीके से आप सारे पकौड़े तल लीजिए। अब चलिए हम बनाते हैं कढ़ी के लिए ग्रेवी। जो हमने बचा के रखे थे थोड़े पेस्ट, उसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसमें लम्स ना बनने पाए, हम उसको एक लिक्विड की तरह बना लेंगे। तो हमने इसमें पानी डाल के अच्छे से इसको बना लिया है। अब चलिए हम जो तेल हमारा बचा था, अगर आपको ज़्यादा लग रहा तो आप तेल कम कर सकते हैं, उसमें हम डालेंगे थोड़ा मेथी और उसको अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद हम उसमें जो मसाला तैयार किया था हमने, उसको हम डालेंगे और उसको बिल्कुल तेल सेपरेट होने तक अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए तेल बिल्कुल अलग हो चुका है, बहुत अच्छे से हमारा मसाला पक चुका है। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, आप खुशबू से ही पहचान जाएंगे कि कितनी अच्छी कढ़ी बनने वाली है। बस हमने जो उसमें लिक्विड अपना बनाया था वो हम उसमें डाल देंगे और चलाते रहेंगे। साथ में हम पानी भी डालेंगे, पानी थोड़ा ज़्यादा डालेगा शुरुआत में, ये पतला आप करिएगा इसको, क्योंकि उड़द दाल है। जैसे जैसे वो पकता जाएगा वैसे वैसे इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी होती जाएगी। तो ये देखिए बिल्कुल हमने इसको पका लिया है आराम से 7 से 8 मिनट तक। अब इसमें हम नमक डालेंगे और इसमें अपने पकौड़े डालेंगे, उसके बाद इसको अच्छे से चलाएंगे और उसके बाद हम कम से कम 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे आराम से पकने देंगे, ताकि पकौड़ों में सारी ग्रेवी चली जाए। ये देखिए बिल्कुल हमारा कढ़ी रेडी हो चुका है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही लजीज बना है। स्पेशली राइस के साथ तो बहुत ही मज़ा आ जाता है खाने में, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अब बस आप करिए इसको सर्व, फिर इसको करिए इंजॉय। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने घर परिवार में शेयर भी करिएगा। थैंक यू।